समुद्र के अंदर बनेगी दुनिया की पहली तैरती सुरंग, 205 किलोमीटर होगी लंबी। अद्भुत होगा नजारा, विज्ञान और तकनीक की मदद से क्या कुछ मुमकिन नहीं है। ऐसे में अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब लोग समुद्र के अंदर भी रफ्तार का मजा ले सकेंगे। आज हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन और अद्भुत सुरंग के बारे में बता रहे हैं जो कि समुद्र के अंदर तैरती है। समुद्री रास्ते से एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर आसान बनाने के लिए नॉर्वे एक बेहद चौंकाने वाला प्रयोग करने जा रहा है। नॉर्वे जल्द ही समुद्र के अंदर तैरती सुरंग का निर्माण करने जा रहा है। कंक्रीट से तैयार होने वाली इस सुरंग में 2 लेन बनाई जाएगी। परियोजना पर काम कर रही सरकारी संस्थान नॉर्वेजियन पब्लिक रोड्स एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य 2050 तक इसका निर्माण पूरा करना है। अगर ये सुरंग तैयार हो गई तो वाकई ये किसी अजूबे से कम नहीं होगा। नॉर्वे यदि इस परियोजना में सफल हो जाता है तो वे विश्व का पहला ऐसी सुरंग बनाने वाला देश हो जाएगा। चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और इंडोनेशिया भी इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। 100 फीट की गहराई में स्थापित होने वाली यह सुरंग 205 किलोमीटर लंबी होगी। सुरंग को नियंत्रित करने के लिए पानी की सतह पर पीपे के पुल तैयार किए जाएंगे। इन पुलों के बीच पर्याप्त दूरी होगी ताकि समुद्री जहाज इनके बीच से गुजर सकें। यह सुरंग इतनी मजबूत होगी कि इस पर किसी भी प्रकार के मौसम का कोई असर नहीं होगा। इसके निर्माण में $40 अरब की लागत आएगी। पश्चिम नॉर्वे में स्थित क्रिस्टियानसैंड और ट्रॉन्डहाइम नामक दो शहरों के बीच यात्रा E39 मार्ग का हिस्सा है, जो नॉर्वे के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सुरंग बनाने का मकसद इन दोनों शहरों को जोड़ना है, जिनके बीच की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 21 घंटे लगते हैं। लेकिन इस सुरंग के बनने के बाद ये दूरी महज कुछ घंटों की रह जाएगी। तैरती हुई सुरंग के निर्माण का विचार कोई नया नहीं है। 1882 में ब्रिटिश नौसैनिक आर्किटेक्ट एडवर्ड रीड ने भी एक ऐसी ही सुरंग का प्रस्ताव रखा था।